प्रयागराज एक नाम था जो पहले से था, आज उसको लगभग 500 साल पहले किसी ने बदल दिया था। अब जो आपका भी नाम है, जो आपके माता पिता ने दिया है, उसका नाम बदल के कुछ और कहलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो जो नाम था वो नाम दिया जा रहा है, और ये धरोहर है। वो प्रयाग ऐसी जगह है जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो वहाँ पे उपवास किया था और वहाँ पे एक सैक्रिफाइस करी थी, जो उन्होंने शुरू किया था, वो यज्ञ किया था, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेदा में भी प्रयागराज कहा जाता है, महाभारत में भी प्रयागराज है का वर्णन है, रामायण में भी है। जहाँ पे इतना है और इतिहास इतना बड़ा जुड़ा है, किसी को आपत्ति हो तो मुझे लगता है उनको फिर से विचार करना चाहिए। हमने आज उसको अनाउंस कर दिया है, अनुमोदन हो चुका है, आज से इफेक्ट आ गया है। अब उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जहाँ जहाँ चेंजेस होने वो करेंगे अपने आप विभाग।